दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्यपालक सहायक अरेरिया की नोटिफिकेशन के अंदर बताया था कि ऑनलाइन चालू हो गया और फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लें, और यदि आप लोग में किसी का एक भी कमेंट आए तो फिर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं और यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्लिक किए और ऑनलाइन अप्लाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना है क्या, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करके फिर आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने वीडियो को पॉज करके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन भर लिया, अब आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं पोस्ट के लिए कौन पोस्ट अप्लाई किया, अरेरिया के लिए किया, हिंदी और इंग्लिश में नाम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, आपके नाम के आगे मिस्टर मिसेस कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद आपको फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ आर यू ग्रेट ग्रैंड सन, अगर कुछ लिखा हुआ है इसमें कोई अलाव है तो अलाव कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो नोटिस दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ईमेल, आप जेंडर आपका दीजिए मेल या फीमेल, ठीक है। उसके बाद एक कैटेगरी दीजिए, उसके बाद जीमेल, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, एक दो पासपोर्ट रखना है एक ही तरह, ठीक है। उसके बाद आपका कैप्चा को यहाँ पे डालना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों। और एक बात बता देता हूँ, यहाँ देख रहे हैं EBC, इसका नोट आप पढ़ लें यहाँ पर, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मांग रहा है जो आपका कैटेगरी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। एक बार फिर भी आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए रजिस्टर कर लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। हम लोग ने कर लिया ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। चलिए अब हम लोग यूज़र आईडी, पासपोर्ट और कैप्चा देके इसको ओपन करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अप्लाई डिस्ट्रिक्ट में अररिया ले लिए, और उसके बाद यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, अब कैप्चा भी डाल दिया, बस लॉगिन करना है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अररिया की जो वेबसाइट था वो अभी खुल नहीं रही थी, ठीक है। अभी खुल गई है तो मैं अभी जस्ट आप लोग को वीडियो बना के प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट का मैं बना चुका हूँ। टोटल अभी 8 बनाया हुआ था और अभी अररिया लेके टोटल 9 हो गया, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, देख पा रहे हैं ये लॉगिन हो रहे हैं। चलिए हम लोग लॉगिन हो गए हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग को करना है क्या, पहले तो हम रजिस्ट्रेशन किए हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाले हैं यहाँ पे, यस ब्लू कलर का यस टिक लगा हुआ है। अब ये चारों हम लोग को करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे अभी एप्लीकेशन फॉर्म को पर्सनल डिटेल भरेंगे। चलिए हम लोग भर लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्म को फिलअप कर लिया, ठीक है। तो फिर चलिए आप लोग को देख चलता हूँ। इसमें आइडेंटिटी मार्क यहाँ पे डालें, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन कोड और फिर परमानेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद पिन कोड, नेशनलिटी और होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग होम डिस्ट्रिक्ट हमने ये डाला है, अपना जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो डालना है, और होम ब्लॉक आपकी ब्लॉक प्रखंड कौन सा है वो वहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग का ये आगे प्रोसेसिंग हो गया है, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल्ली हो गया है। तो फिर चलिए थोड़ा और वेट कर लेते हैं यहाँ पे वेटिंग। हाँ चलिए आ गए हम। अब हम लोग को क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना है। चलिए फिल कर लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग ये पूरा फिल कर लिए। सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का दोनों का आपका डिटेल देना, और कुछ नहीं, बेसिक आपको डिटेल देना है। आप कौन सी बोर्ड से किए थे मैट्रिक और कौन सी बोर्ड से इंटरमीडिएट, ठीक है, वो डालना है। उसके बाद कौन सी कॉलेज से हाई स्कूल किए थे मैट्रिकुलेशन और कौन सी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट किए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हाई स्कूल के लिए कुछ नहीं है, मतलब मैट्रिकुलेशन के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे जो है आप इंटर में क्या लिए थे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो वहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आप मैट्रिक कौन सी ईयर में किए थे पास और कौन सी ईयर में इंटर किए थे, और कितने आपके फुल मार्क्स होते थे इंटर और मैट्रिक में। उसके बाद आप कितना आपका ये मार्क्स आप लाए थे वो डालना है,
और इन दोनों में डालना है, ठीक है। और फिर अपना भी मार्क्स जो है अपने आप आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या, देख रहे हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे रहना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तो फिर आपको है तो यस कीजिए, यहाँ पे टिक करके सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। चलिए हम कर देते हैं, चलिए हम लोग का फॉर्म। अब आप लोग को करना है क्या, देखिए इसमें आपको फोटो साइज मांग रहा है 200x230, ठीक है, यानी कि आपको 200x230 पिक्सल का फोटो मांग रही है और 50 KB का मांग रहा है, ठीक है। और आपका साइन मांग रहा है 140x60 पिक्सल का और आपका 20 KB मांग रहा है, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, आप इसको कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं कैसे करना है तो फिर आप हमारे दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, चैनल में जाके वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कैसे करेंगे, वो भी मोबाइल से, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, अब क्या करना है, यहाँ पे अपडेट फ़ोटो पे क्लिक करके अपडेट कर देना। चलिए अपडेट कर देते हैं, हम लोग का फ़ोटो यहाँ पे अपडेट होके आ जाएंगे। चलिए अभी तक तो नहीं आए, चलिए आ गए, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग का सिग्नेचर भी करना होगा, मतलब साइन। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो भी हो गया, देख पा रहे हैं आप लोग, फ़ोटो और साइन दोनों हो गया है। अब आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक और फिर आगे चलना है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग, आगे की प्रोसेसिंग देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। आपको फाइनल सबमिट के लिए बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग फाइनल सबमिट कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्लिक कर दिए यहाँ पर, फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ पॉपअप आते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यस करना है और इस पर क्लिक करके आपका फाइल यहाँ पे जितने देख रहे हैं आप ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। अब इसका पीडीएफ आपको निकाल लेना है, प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। चलिए हम लोग प्रिंट पीडीएफ को ये कर ले सेव कर लेते हैं और इसका प्रिंट निकाल के रख देते हैं, ठीक है। फिर आगे ये कुछ दिन बाद हम लोग का काम आएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी मतलब प्रॉब्लम आए और मतलब कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करें, मैं यहाँ से ज़रूर ऊपर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आप लोग को पसंद आया वीडियो लाइक करें और इसी तरह और वीडियो आपको अगर पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।